एवरीबॉडी, आज आए हैं भेलोर पोर्ट। ये सीएमसी भेलोर से बस 2 किलोमीटर दूर है, और चलिए आपको दिखाता हूँ भेलोर पोर्ट में क्या क्या है। और इसके अंदर में एक सुंदर मंदिर है, जलाकंडेश्वर शिव टेम्पल है। चलिए आपको यह ऐतिहासिक भेलोर पोर्ट है। ये एंट्रांस, यही एंट्री गेट है, स्टार्टिंग से यहीं से घुसना पड़ता है। साइन बोर्ड लगा हुआ है, उधर हिस्टोरिकल म्यूजियम है। ये जलाकंडेश्वर शिव टर्न को इधर से रास्ता है, राइट टर्न है। यहाँ पे मैप बना हुआ है पूरा पोर्ट का, जो है पोर्ट का एरिया का मैप बना हुआ है। यहाँ से राइट टर्न आपको लेना है। चलिए आपको लेके चलता हूँ। बहुत सुंदर शिव मंदिर है। ये भेलोर पोर्ट का अंदर ही है, और जलाकंडेश्वर इनका जो नाम पड़ा है क्योंकि इसका चारों ओर जो है, अब देखिए चारों ओर इसका पानी का राह है। देखिए कितना सुंदर मंदिर है जलाकंडेश्वर। चलिए आपको लेके चलते हैं, आगे से आपको फ्रंट से दिखाएंगे मंदिर का। बहुत भव्य मंदिर है, ये सब द्राविड़ियन स्टाइल का मंदिर है। साउथ का जितना सारा टेंपल इसी स्टाइल का ही दिख, द्राविड़ियन स्टाइल का है। इस जगह पे जूता स्टैंड बना हुआ है, आप इधर जूता रख के मंदिर को प्रवेश करेंगे। ये मंदिर का एंट्रेंस गेट है, इस जगह से आपको एंट्री करना है। चलिए हम जूता पहले रख लेते हैं जूता स्टैंड में। देखिए ये मेन एंट्रेंस है, इस रास्ता से आपको यहाँ से एंट्री करना है। चलिए आपको दिखाता हूँ। कितने बजे से कितने बजे तक मंदिर खुला रहता है? सुबह 6:30 बजे खुल जाता है, फिर 1 बजे तक है, फिर बीच में मध्यान्ह अंतर है, फिर 3 बजे से 8:30 बजे तक खुला रहता है। अब करिए चलिए। देखिए मंदिर का एंट्रेंस में केला का ये है, ये गर्भगृह है। चलिए आगे को लेके चलते हैं। बाहर से एक ही मंदिर नजर आ रहा था, भीतर में बहुत लंबा है मंदिर का, ये बहुत सुंदर अंदर में पूरा बना हुआ है। जलाकंडेश्वर लखन जी कहाँ गया? ये मेन मंदिर है, यहाँ से एंट्री है। यहाँ से एंट्री और स्टार्टिंग एंट्री के फ्रंट में आद्य पूजक भगवान गणपति के मूर्ति है। जय गणपति बाबा मौर्या। ये परिक्रमा के लिए मंदिर का चारों ओर परिक्रमा का बना हुआ है। कार्तिक भगवान का है चारों ओर, देखिए चारों ओर मंदिर का चतुर्पार्श्व में पार्श्व देवता है सब। मेन जो मंदिर है ये शिव जी को इधर लाल में लगे तो मुंह करती है,
अब देखिए इधर गर्भगृह में एंट्री के लिए इधर लाइन लगा हुआ है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो मोबाइल को बंद करना पड़ेगा। चारों ओर ऐसा परिक्रमा कर सकते हैं, भीतर में मोबाइल मना है। अभी कुछ देर के लिए मोबाइल बंद करते हैं, अब गर्भगृह का दर्शन के बाद फिर आपको नया वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये मंदिर का गर्भगृह है, इसका अंदर में चारों ओर कॉरिडोर बना हुआ है। ये पार्श्व देवता हैं सर, ये नटराज हैं, यहीं से पूरा मंदिर का बाहर से हम लोग निकल गए हैं। ये एग्जिट गेट था, चारों ओर मंदिर का भंडारा होता है। हाँ, भी भंडारा होता है। इधर जलाभिषेक कराने के लिए है, साइड में पूरा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर का अंदर में तो नंदी जी थे, मंदिर का बाहर में ये स्तंभ है, स्तंभ से बाहर में इधर नंदी जी और एक नंदी है। चेन्नई हेलोर पोर्ट का अंदर से ही इधर आप नंदी जी का कान में अपना कुछ भी मन में श्रद्धा है वो बोल सकते हैं। ये नंदी जी के हैं, यहीं से आप मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं। इधर से पूरा सीधा जो है बहुत भव्य मंदिर है। ये यज्ञ मंडप है और सजावट हुआ है पूरा। पूरा हम लोग परिक्रमा कर चुके हैं, यहीं से ही एंट्रेंस था, यहीं से हम लोग होते थे। पूरा मंदिर पर आकर परिक्रमा करके यहाँ से निकले।